हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी के टाइम पे आपको 15,000 के अंदर सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन सेल होते हुए दिख सकते हैं और इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड तगड़े पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000। और गाइस, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यूज़ देखा है, उसके बाद मैंने इन पाँचों स्मार्टफोन को चुना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको 15,000 के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 8GB का बड़ा रैम, 128GB का बड़ा स्टोरेज, तगड़ी गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर, 13 5G बैंड का सपोर्ट होगा, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। अच्छे फोटोज क्लिक करने के लिए तगड़ा कैमरा, 5000mAh का बैटरी, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 67W का डार्ट चार्जर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। और आप भी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो जो हमारे लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। अगर आपको एक नॉन चाइनीज ट्रू 5G स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, सिंगल मोनोस्टेर स्पीकर है, फोन कॉल करने के लिए साइड लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 5000mAh का बैटरी दिया है और ये जो स्मार्टफोन है वो 25W का चार्जर सपोर्ट करता है, बट आपको जो एडाप्टर है वो बाहर से लेना होगा, जिसके लिए आपको 300 एक्स्ट्रा रुपये देने होंगे। इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 750G का 5G चिपसेट। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक मिल जाता है, डे टू डे लाइफ में अच्छा परफॉर्म करता है एंड इसे आप मीडियम सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। 6.6 इंच का TFT डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले भी बढ़िया मिलता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 8MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10TP वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 4 128 का जो प्राइस है वो 15,000 रुपये एंड 6 128 का जो प्राइस है वो 16,000। दोनों वेरियंट पर आपको 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 4 128 वाला वेरियंट है वो आपको 12,500 में देखने को मिलेगा एंड 6 128 वाला वेरियंट है वो आपको 13,500 में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक बेस्ट नॉन चाइनीज ट्रू 5G स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो मोटो की तरफ से मोटो G71 5G। वैसे तो जो इसका प्राइस है वो 17,000 से 18,000 है, बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको 15,000 से 16,000 में मिल जाएगा। ये भी स्मार्टफोन एकदम कंप्लीट पैकेज स्मार्टफोन है, मतलब कि प्राइस के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। IP52 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी रोक सकता है। सिंगल मोनोस्टेर स्पीकर है, इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। क्लीन UI मिलता है, मतलब कि ब्लॉटवेयर एप्स देखने को नहीं मिलेंगे। फोन कॉल करने के लिए रियर फिंगरप्रिंट है। 5000mAh का बैटरी देने, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 10TP वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10TP वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। ओवरऑल डिस्प्ले परफॉर्मेंस अच्छा है एंड 90Hz का रिफ्रेश रेट होता तो और भी अच्छा होता है। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर, गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पे लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो। ये जो स्मार्टफोन वो टोटल 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6 128 का जो प्राइस है वो 16,000 रुपये एंड 1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। देन इफेक्टिवली इसके 6 128 वाले वेरिएंट है वो आपको 15,000 में देखने को मिलेगा। और अगर आपको 15,000 के अंदर एक बेस्ट ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 3rd नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 3rd नंबर में रैंक करता है वो है IQ की तरफ से IQ Z6 5G। अगर आपको एक बेस्ट एंड तगड़ा गेमिंग कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, सिंगल मोनोस्टेर स्पीकर
स्पीकर है, फोन को अनलॉक करने के लिए साइड लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटो डॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 5000 एमएच का बैटरी देंस को चार्ज करने के लिए 18 वाट का छोटा सा चार्जर भी है। गाइस एटलीस्ट 30 से 33 वाट का तो चार्जर देना चाहिए था। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस इसका अच्छा मिलता है। इसमें भी लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर, परफॉर्मेंस इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पर लॉन्ग टर्म तक खेल पाओगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 2 5G बैंड को सपोर्ट करता है, बट गाइस जो 5G बैंड है वो मेन 5G बैंड है। 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 4 128 का जो प्राइस है वो 15,000 रुपये एंड 6 128 का जो प्राइस है वो 17,000 रुपये। 1000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा सिटी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। देन इफेक्टिवली इसके 4 128 वाला वेरियंट है आपको 14,000 में देखने को मिलेगा एंड 6 128 वाला वेरियंट है आपको 16,000 में देखने को मिलेगा। और अगर आपको 15 से 16,000 के अंदर एक बेस्ट ऑलराउंडर गेमिंग एंड कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है वो इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स 05G। ये स्मार्टफोन भी काफ़ी कमाल का है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, सिंगल मॉनिटर स्पीकर है, फोन को अनलॉक करने के लिए साइड लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। 5000 एमएच का बैटरी देंस को तेजी से चार्ज करने के लिए 33 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। इसमें लगा है मीडियाटेक डायमेंसिटी 900U का 5G चिपसेट। ओवरऑल इस स्मार्टफोन से आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। ये जो स्मार्टफोन टोटल 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर वो सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस ओके टाइप का है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। 6.8 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसका 8128 का जो प्राइस है वो 18,000 रुपये। 1000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे एंड टोटल 3200 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास ICICI या फिर कोटक बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो। देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाला वेरियंट आपको 14,800 में देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपको 15,000 के अंदर बेस्ट एंड ट्रू 5G स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में और हम लोग बात करेंगे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे हाँ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में, तो जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो है पोको की तरफ से पोको X4 Pro 5G। अगर आपको बेस्ट एंड तगड़ा 5G ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। IP53 सर्टिफाइड है, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, फोन को अनलॉक करने के लिए साइड लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। 5000 एमएच का बैटरी देंस को तेजी से चार्ज करने के लिए 67W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको एकदम टॉप नोच का मिल जाएगा। इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर, परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कैसे इसके बैक वाले कैमरे एंड फ्रंट वाले कैमरे दोनों कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस इसका ठीक ठाक मिल जाता है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 664 का जो प्राइस है वो 16,000 रुपये एंड 6128 का जो प्राइस है वो 17,000 रुपये। 1000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। देन इफेक्टिवली इसके 664 वाला जो वेरियंट है आपको 15,000 में देखने को मिलेगा एंड 6128 वाला वेरियंट है आपको 16,000 में देखने को मिलेगा। और अगर आपको 15 से 16,000 के अंदर बेस्ट एंड तगड़ा ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन चाहिए
देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड तगड़े पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।